दोस्तों नमस्कार, मैं अमरेंद्र कुमार सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल मेरी पाठशाला। दोस्तों, ईपीएफ के बारे में एक बहुत ही बड़ी और महत्वपूर्ण सूचना सामने आ रही है। ये है कि 15 तारीख तक शिक्षक पुस्तकालाध्यक्ष की ईपीएफ राशि हस्तांतरित करने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। यदि आप विलम्ब करते हैं इसमें तो विलम्ब शुल्क भी आपको सूद की राशि जुर्माने के रूप में देना होगा। इस वीडियो में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि यूएएन किस प्रकार से जनरेट होगा और साथ ही साथ ईपीएफ के बारे में और क्या क्या सूचना है। यहाँ पर शिक्षक पुस्तकालाध्यक्ष के मासिक परिलब्धियाँ अंतर्गत ईपीएफ में जमा की जाने वाली राशि का भी आकलन के लिए दिया गया है, जो कि कुछ इस प्रकार से है। मासिक परिलब्धि अंतर्गत 15,000 का 12% जमा होगा, यह जो कि 1,800 रुपये है, और नियोक्ता का अंशदान जिसके लिए राज्य सरकार के द्वारा सहायक अनुदान एवं समग्र शिक्षा अंतर्गत दी जा रही है वो 1,950 रुपये है, यानी कि 15,000 का 13% दिया जाएगा। कुल मिलाकर के राशि 3,750 रुपये हर महीने जमा होगी। दोस्तों, इसके लिए कुछ सूचना दी गई कि पहली राशि 15 अक्टूबर 2020 तक जमा कर देना है, यानी कि 15 अक्टूबर 2020 तक जमा करने की तिथि दी गई है। दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि यूएएन नंबर किस प्रकार से जनरेट किया जाएगा, जो कि ईपीएफ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको मैसेज करना है, यानी कि एक एसएमएस कर देना है। एसएमएस में आपको यहाँ पर लिखना है EPFOHO स्पेस, यानी कि बीच में एक स्पेस देंगे, उसके बाद टाइप करेंगे UAN फिर स्पेस और ENG। ऐसा लिखने के बाद इसे भेजेंगे 7738299899 पर। आपको भेज देना है 7738299899 पर। आइए इसे हम प्रैक्टिकली भी करके देख लेते हैं कि किस प्रकार से मैसेज बॉक्स में लिखा जाना है। दोस्तों, आपको लिखना है इसमें मैसेज जिसमें आप भेजते हैं या फिर मैसेज प्राप्त करते हैं उसमें लिख देना है। यहाँ पर आपको नीचे दाहिनी साइड में कोने में कलम का निशान दिखाई दे रहा है, इसी पर आपको क्लिक कर लेना है और इंटर मैसेज, इसमें मैसेज लिखना है। आपको इसमें लिखना है EPFOHO, ये सब कैपिटल में होगा। इसके बाद स्पेस दे करके UAN लिखेंगे, उसके बाद फिर स्पेस देंगे और ENG लिखेंगे। दोस्तों, आपको लिखना है इंटर स्पेंट में नंबर जिस पर कि भेजा जाना है, ये मैसेज को भेजा जाना है। आपको लिखना है इंटर स्पेंट में 7738299899, 7738299899, और इसे सेंड कर देना है। सेंड कर देने के बाद आपको कुछ देर के बाद ही UAN नंबर प्राप्त हो जाएगा जिसका आप मेंबर होंगे। आपका नाम भी दिया जाएगा, डेट ऑफ बर्थ, और साथ ही साथ आधार नंबर के अंतिम 4 अंक दिखाई देंगे। दोस्तों, आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और आधार नंबर का मिलान कर लेंगे और सही रहने पर इसे आप आगे के लिए रख लेंगे। अगर आपका गलत होता है तो इसे सुधार अवस्था केंद्र पर जाकर के उसे फिर से सुधार करवा लेना है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि वे भी इसका लाभ उठा सके। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए मैं दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।